तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसटीएल टैग के स्टॉक के बारे में। एसटीएल टैग के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.41% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और आज की तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर 162 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड करा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 168 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 178 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 190, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 202 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 219 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 236 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप और रेजिस्टेंस। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से भी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 162 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 153 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 147 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट स्टेप और सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।